अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। आज हम बात करेंगे भारतीय स्टेट बैंक के बारे में, और भारतीय स्टेट बैंक के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं दूंगा जिससे हो सकता है कि आपको मुनाफा भी इसमें कमाने का मौका मिले। लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, ऐसा नहीं कि अब मैंने SBI बोल दिया और आप जाके उसके स्टॉक्स ले लिए और आगे का भी नहीं सुना, पीछे का भी नहीं सुना। अधूरी जानकारी खतरनाक हो सकती है, आपका लॉस करा सकती है। इसलिए हमेशा मैं वैसे भी 5-6 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बनाता नहीं, मैक्स टू मैक्स का भी ज़्यादा कुछ बड़ी बात हो गई तो 7-8 मिनट का बन जाता है, इन्फॉर्मेशन ही देता हूँ। और ना तो मैं 20 मिनट का वीडियो बनाता हूँ ना तो मैं 15 मिनट का बनाता हूँ। तो इसलिए थोड़ा समय निकालिए, क्योंकि आप अपना पैसा लगा रहे हैं ना, थोड़ा सा सुनिए। तो भारतीय स्टेट बैंक क्यों, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और कब कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए अब इस बैंक के बारे में मैं तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि कौन नहीं जानता इसके फीचर्स के बारे में। सरकारी बैंक है और सबसे बड़ी बैंक है भारत की। जिस प्रकार से प्राइवेट बैंकों में HDFC है, उस प्रकार से PSU में, गवर्नमेंट बैंक में, भारतीय स्टेट बैंक है। और मैं बता दूं कि इसने जो है 2017 तक डिविडेंड पे किया था, मतलब जो अपने इन्वेस्टर्स को ये लाभांश देती है, उसके बाद से 18-19 तो अभी चल रहा है, 18 में नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया? ऑब्वियसली सी बात है कि अगर कंपनी लॉस में है तो ये प्रॉफिट ही नहीं कमा रही है तो कैसे बांटेगी लाभ, है ना, अपने निवेशकों को कैसे देगी। तो चलिए हम देखते हैं कि अब कैसी स्थिति है, क्या इसमें लिया जा सकता है। पहले हम रिजल्ट्स की बात करेंगे। सोचने वाली बात है कि जो बैंक अभी तक लॉस में थी, जिसने बहुत ज़्यादा NPA बढ़ा था, देखिए जून 18 से जून 19 यानी ईयर ऑन ईयर हम कंपेयर कर रहे हैं इंटरेस्ट अर्निंग में, जो ब्याज से इनको कमाई होती है, तो जहां जून 18 में थी 58,813 करोड़ समथिंग, वहीं जून 19 में हो गई 62,637 करोड़, यानी कि 6.50% की ज़बरदस्त अपसाइड है। वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 10.63% की अपसाइड है, और NPA इनका जहां 5.29% के आसपास था, वहीं जून में घट के हो गया 3.07, यानी कि 2.22% की एक पॉजिटिव अपसाइड है। और ग्रॉस NPA भी इसी प्रकार है, 3.16% की अपसाइड है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कंपनी सब कुछ एम्प्लॉय को देने लेने के बाद, खर्चा वर्चा करने का टैक्स टूक सब कुछ सब होने के बाद, जो नेट प्रॉफिट बचता है, जून 18 में था ही नहीं, सीधे 4,875 करोड़ का, यानी पिछले साल इन्होंने अपने रिजल्ट्स में, नतीजों में बताया कि हमें 4,875 करोड़ का लॉस है। लेकिन वहीं इस साल जून 19 में यहाँ पे 2,312 यानी 2,312 करोड़ का सीधे नेट प्रॉफिट है, है ना, शुद्ध लाभ जिसको बोलते हैं। तो जब कंपनी या बैंक या उनकी कमाई होगी तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक प्राइस भागेगा, उनके इन्वेस्टर्स को लाभ मिलेगा, उनके स्टॉक प्राइस बढ़ेगी, प्रीमियम इंक्रीज होगा, तो ज़बरदस्त रिटर्न है। लेकिन हम क्वार्टर के भी रिजल्ट्स में देख लेते हैं, मार्च 19 से जून 19 के कि किस प्रकार के रहे क्वार्टर वन। इंटरेस्ट अर्निंग में बराबर का ही मामला है, 0.55% की थोड़ी सी डाउनसाइड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 21% की डाउनसाइड है, और नेट NPA में भी थोड़ी सी जो है यहाँ पे जीरो माइनर सा डाउनसाइड है। लेकिन अगेन यहाँ पे नेट प्रॉफिट में जहाँ मार्च 19 में था 838 करोड़ का, वहीं सीधे जून 19 में 1,312 करोड़, यानी कि 175% की जंप है। तो नेट प्रॉफिट इनका ज़बरदस्त यहाँ शानदार रहा है, इस वजह से ये बैंक में जान आ गई। एक सरकारी बैंक होता क्या, अब देखिए ये भी समझ लीजिए कि सरकारी बैंक के बैंकों में मैं क्यों नहीं कहता कि भाई ये मल्टीबैगर हो जाएगी, उसका रीज़न है, आपको कुछ समय के लिए जब तक इनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, जब तक इनका कार्यक्रम चल रहा है तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप सोचें कि 10 सालों में 5 सालों में आपको कई गुना बना देंगे या मल्टीबैगर हो जाएगा, तो मुझे अभी थोड़ी सी कम संभावना लगती है, क्योंकि इनका जो जिस प्रकार से ये काम करती है ना सरकार के लिए या आम जनता के लिए, बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छी बैंक है, भरोसे की बैंक है, जन जन की बैंक है। लेकिन इनका काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे किसानों के इन्होंने लोन दिया, हर सेक्टर में लोन देती हैं, ऐसा कुछ नहीं, किसान की बात कर लेते हैं, तो जनरली मान लीजिए गवर्नमेंट ने इनका लोन माफ़ कर दिया या किसानों को सब्सिडी दे दिया, तो
जो लोन माफ़ हुआ तो इनको टाइमली पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट्स ये अपने क्वार्टरली एनुअल ये तो दिखाते रहते हैं ना, बनाते रहते हैं, तो अगर इनको टाइम पे पैसा नहीं मिला वहाँ तो लॉस दिखा देंगे। तो इस तरीके से इनका काम चलता है। फिर दूसरी बात, अच्छा इसमें नुकसान भी इसलिए नहीं है कि एक भारत सरकार के उपक्रम है, तो इसमें क्या होता है गवर्नमेंट समय समय पे है, जैसे कि अभी इस बजट में भी अनाउंस हुआ है कि कुछ सरकार ये अपनी कुछ सरकारी बैंकों को ये कुछ कई कई हज़ार करोड़ कई अलग अलग बैंकों को गवर्नमेंट देगी डालेगी, तो इनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से इनको भी सपोर्ट रहता है, क्योंकि होल्डिंग ही जो प्रमोटर्स हैं इसके वही सीधे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ही है इनकी, सरकार का नियंत्रण है। तो इसमें इस प्रकार का नुकसान नहीं है कि हो सकता है कि जैसे कि यस बैंक में था, उसमें तो मैनेजमेंट को लेकर इशू था, तो आज स्टॉक प्राइस सीधे 400 से नीचे चला गया, 70-80-90 के आसपास चला। तो वैसा स्थिति इसमें नहीं होनी, मतलब लो रिस्क और रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है। लेकिन कब मिलेगा रिटर्न अच्छा आपको, जब इसके रिजल्ट्स अच्छे दिखने शुरू हो गए। लेकिन अब किस लेवल पे ले वो भी मैं बताऊंगा। मैंने एक वीडियो बनाया था, अब मैं वीडियो अपने गैलरी में जाके बताऊंगा नहीं, क्योंकि 19 फरवरी के आसपास मैंने बनाया था। 19 फरवरी को सबसे निचले स्तर पे थे सारे सेंसेक्स और निफ्टी, और काफ़ी बैंकों में भी गिरावट थी, तो SBI बैंक उस समय था 270-280 रुपये के भाव पे ट्रेड हो रहा था। तो मैंने रिकमेंडेशन दी थी, हालांकि वो वीडियो बहुत कम लोगों ने देखा था क्योंकि शुरुआत थी हमारे चैनल की। अब ये पहुँच गया था जब आप देखिए यहाँ पर जब पहुँचा था करीब करीब हाई जो इसने बनाया 373 रुपये। तो कई मुझे रिकमेंडेशंस आती हैं कि सर क्या करें SBI बैंक में अभी फ़िलहाल, तो मैंने कहा अभी भाई ठहर जाइए, इसमें कोई रिकमेंडेशंस मैंने, क्योंकि मतलब ही नहीं है जब स्टॉक भाग चुका है या भाग रहा है तब ख़रीदने कोई मतलब नहीं है। अब क्या हो गया है कि अब ये नीचे की ओर है और काफ़ी नीचे आ चुका है, 300 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ज़बरदस्त गिरा, पूरे मार्केट में गिरावट है। तो कितने भी अच्छे रिजल्ट्स हैं, कितनी भी अच्छी खबरें हैं, जब बिकवाली ही शुरू हो गई है, चाहे FIIs की, इस बजट में FIIs नाखुश थे क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सरचार्ज लगा दिए गए हैं, बहुत सारे करोड़पति जो उद्योगपति हैं उनके प्रॉफिट में भी 4-5 करोड़ के ऊपर उनको टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, तो भारतीय बाज़ार को थोड़ा सा नागवार गुजरी ये बात। तो कई रीज़न्स को देखते हुए इन सब चीज़ों में पूरे बाज़ार में गिरावट है। तो SBI में अभी जैसे कि अभी पहले जैसे पढ़ देते हैं क्या भाव पे ट्रेड हो रहा है। देखिए 2 अगस्त आज तो है, 4 अगस्त आज रविवार, आज मार्केट बंद है। 2 अगस्त को जो इसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी 308 रुपये के आसपास, वही NSE में भी सेम, और 52 वीक लो था 247 और 373 हाई था जो मैंने अभी बताया, और बाकी छोटी चीज़ें हैं वो देख लेता हूँ बता देते हैं वो भी कि इसका मार्केट कैप कितना है, 2,75,279 करोड़ का है, EPS है 10 का, PE ratio 29 का, जबकि इंडस्ट्री P173 की यहाँ पे है, और डिलीवरी है इसकी 22% के आसपास, फेस वैल्यू 1 की है, प्राइस टू बुक 1.28 का। चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए। अब इसमें दो स्ट्रेटजी हो सके। अच्छा तो रिटर्न में बता देता हूँ, 10 सालों में 70%, 10 सालों में देखिए 70% रिटर्न ऑब्वियस सी बात है कम है ना। और मुझे मैं इसमें क्या कहूँ कि आप लंबे समय के लिए 3-5 साल 10 साल के लिए तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा, लेकिन अभी के लिए मैं बता दूंगा। और क्योंकि आप फिक्स्ड डिपॉजिट अगर इनका FD में भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इससे ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है, 70% से डबल हो जाता है आपका 10 सालों में। तो इस तरीके से अभी जो फ़िलहाल जिस लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए पूरी बात सुनिएगा ध्यान से, आप ऐसा नहीं कि ताबड़तोड़ कल खरीद ही लें, अगर आगे चल के किसी कारणवश और भी गिरावट चलती रही तो अगर 300 से नीचे के लेवल पे ये जाता है ना, ऊपर तो भागना इसका तय है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन हमें स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह, रिटेल निवेशक हैं हम लोग, हमारे पास बहुत कम पैसा बचा होगा, आपके बहुत सारे मार्केट में, आपका ही क्या सारे लोगों का मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, बहुत सारी बैंक की होगी, आपकी क्वांटिटी कहीं ना कहीं खड़ी होगी, लेकिन उसको बेचिए मत। देखिए अच्छी कंपनी के अगर आपने स्टॉक्स लिए हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी है, तो आप भरोसा करिए, बेचिए मत पैनिक में आकर, क्योंकि बेच के दूसरे स्टॉक में घुसेंगे तो हो सकता है नीचे वो भी चला जाए। हाँ, आपने अगर अच्छी कंपनियों को चुना तो इस प्रकार से भारतीय स्टेट बैंक में अगर आपके पास और भी, क्योंकि मैं हर वीडियो में अपने कहता था अल्टरनेट डे पे कहता था, पूरा पैसा कभी ना लगाएं, किसी एक सेक्टर में ना लगाएं, किसी एक स्टॉक में ना लगाएं, तो मुझे लगता है कि आपने ज़रूर अमल किया होगा। तो आइए उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक में अगर 300 के नीचे पे जाता है थोड़ी बाइंग कर लीजिए, अगर और नीचे जाता है तो अपनी क्षमता अनुसार, मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या बजट होगा,
हर इंसान का अपना बजट होता है, और नीचे जाता है तो और ख़रीदिए, ऊपर भागता है तो प्रॉफिट बुक कीजिए, सिंपल सी बात है भाई। 300-350 के आसपास हो सकता है कि अगर मार्केट बहुत मार्केट में रैली आ गई, सब तरह की वो खुशहाली आ गई, जैसे जिस प्रकार से लोग बात कर रहे थे कि जो अरे गवर्नमेंट बनने के बाद तो 45,000 पहुँच जाएगी, कहाँ पहुँच गई, लोगों ने तो चढ़ा चढ़ा के ट्रेडर्स ने ये सब फंड हाउसेस ने ऊपर के लेवल पे बेच के सीधे, अभी जो हाल है आप देख ही रहे हैं, तो रिटेल कर निवेशकों का नुकसान हो गया। तो इस प्रकार से भारतीय स्टेट बैंक में स्ट्रेटजी के थ्रू ध्यानपूर्वक आप स्मार्ट इन्वेस्ट कीजिए कि थोड़ी सी बाइंग कीजिए, और गिरता है थोड़ी और ले लीजिए, और नीचे जाता है थोड़ा और ले लीजिए, है ना, पूरा पैसा मत डालिए, ऊपर जाता है आप प्रॉफिट बुक करिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी मार्केट अच्छा है ऊपर, आप 350 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उसके ऊपर भी जाता है आप होल्ड रहिए। देखिए बहुत बड़ा लॉस इस बैंक में नहीं होने वाला आपको, ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये 150 का पहुँच जाएगा, और 150 का पहुँच जाएगा कैसे पहुँच जाएगा, इसके पीछे खड़ा भी तो कौन है देख लीजिए, आइए कौन है इसके पीछे, देखिए यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग में चलते हैं तो प्रमोटर्स कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके पास है 57 ये जो है ना, और म्यूचुअल फंड्स की 73 स्कीम्स हैं इसमें, FIIs देखिए ज़बरदस्त घुसे पड़े हैं, और FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की हुई है, कितने स्मार्ट हैं ये लोग, बहुत कमाते हैं पैसा। और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये भी घुसी पड़ी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से इनकी कमाई है अब ये डिविडेंड भी पे करना शुरू करेंगे, क्योंकि सरकार क्या करती है ना, जो अपनी कंपनियां होती हैं वो जो उसका नेट प्रॉफिट होता है वो ऑब्वियसली अपने निवेशकों से शेयर करती है। आप देख लीजिए कोल इंडिया ज़बरदस्त डिविडेंड पे करती है, आप कोई भी PSU कंपनी देख लीजिए, भर भर के लोग डिविडेंड देती हैं, ऑयल कंपनियाँ कितनी अच्छा डिविडेंड पे करती हैं। तो चलिए मैं यही कहना चाह रहा था कि स्मार्ट इन्वेस्ट कीजिए, और वीडियो यहीं माइंड अप करता हूँ। और फ्रेंड्स एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कोई भी स्टॉक लेने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप खुद की अपनी रिसर्च कीजिए, मेरा काम था एक इन्फॉर्मेशन देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।